तो तुम ऐसे क्यों प्रिटेंड कर रही थी? I don't understand. इशाद, finally free हाँ, आजादी. कैसा लग रहा है मिस्टर साहिल भसीन? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा होगा तुम्हें, है ना? तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें ब्रेकअप करना ही था तो क्लियरली बता देते मुझे कि घुमा फिरा कि मुझ पे ब्लेम डालने की क्या जरूरत थी. बोल देते कि ईशा देखो मेरा पास वापस आ चुका है, यू आर रीबाउंड. तुम्हारी सारी फीलिंग्स पहले गलत थी. नो बट नो, यू जस्ट हैड टू बी द गुड गाय. ईशा तुम मिसअंडरस्टैंड कर रही हो, जैसे तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल. मैं पागलों की तरह इतना गिल्टी फील करती रही. Like a fool, I just kept thinking ki, oh my God, मैं हर चीज तुमसे शेयर करती थी और आज मैंने तुम्हें अपना एड्रेस तक नहीं बताया. That number 101 Blue Park, Bandra West. I know that. इशा, तुम मुझे और मेघा को लेकर मिसअंडरस्टैंड कर रही हो. Really, misunderstand? मेघा यहाँ खड़ी है. कैसे आई? कैसे आई साहिर? तुम्हारे फ्लोर पे कैसे? किसने बताया उसे? तुमने इन्फॉर्म किया होगा, राइट? Yes, मैंने इन्फॉर्म किया, बट ऐसा नहीं जैसा किया, राइट? प्रूव्ड कि तुम अभी भी उसके साथ टच में हो. और मुझसे इतना सारा झूठ साहिर. ईशा माय लव, ईशा यू आर माय फर्स्ट एंड लास्ट थॉट. ईशा ये, ईशा वो, ऑल अलाइव. यू नो, अब मुझे समझ आया कि तुमने उस दिन इतना बड़ा सीन क्यों क्रिएट किया था. तुम चाहते थे कि मैं तुमसे ब्रेकअप करूं. दैट्स व्हाट यू वांटेड. ईशा ब्रेकअप करेगी, ईशा गिल्टी फील करेगी, यू आर सॉर्टेड. तुम्हारा प्लान काम कर गया. ना गलत कैसे समझ सकती हो तुम मुझे? गलत नहीं साहिर, मैं अभी तो तुम्हें समझी हूं. I have just understood कि तुम कितने अच्छे प्लेयर हो. तुम, you really think I deserve this? This guilt, this, ये झूठ, really? No. और तुम क्या deserve करते हो? ये piece of, ये piece of heaven, हाँ? Hey, Ishit. You deserve this. नाम तो सुना ही होगा. इसका मतलब है जब कुछ गलत होना होता है तो होके ही रहता है. अभी 10 मिनट पहले तक सब ठीक था. साहिर टॉप 15 में सिलेक्ट हो गया था और मैंने सोचा था कि मैं अपने 18th ब्रेकअप को 18th पैचअप में बदल दूंगी, बट नहीं. समथिंग हैड टू गो रॉन्ग एंड इट डिड. बट इस स्टॉर्म में मैं अकेली नहीं थी. रेप भी इस मर्फी लॉग वाले स्टॉर्म से लड़ रही थी. गुरु, हेलो गुरु, गुरु कहाँ है यार? मैं कब से ना फोन ट्राई कर रही हूँ. तो ठीक तो है, फोन क्यों नहीं उठा रहा था? गुरु, हेलो, फिर से गायब. अच्छा सुन, अगर तूने बोला नहीं ना तो वो यशराज की फिल्म की इंक्वायरी थी, वो मैं किसी और को फॉरवर्ड कर दूँ. जी, यशराज? हाँ, नाउ ही टॉक्स. पहले क्यों नहीं बोल रहा था? नहीं रीति जी, ऐसी कोई बात नहीं है. वो क्या है ना, मैं इधर आउट ऑफ टाउन आया हुआ हूँ, तो इधर ना जो है नेटवर्क जो है वो आ रहा है और वो जा रहा है. अच्छा, तू बाहर है? रियली? जी जी, ओ प्राजी जरा संभाल के देखो, आगे ट्रक आ रही है. अच्छा, तू सच में बाहर है? जी 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 जी. अब आप यशराज के बारे में कुछ कह रही थी? लाइज, वो तो सिर्फ तेरे से बात करनी थी यार. गुरु सुन, तू मेरे से गुस्सा या अपसेट या हर्ट तो नहीं है ना? नहीं जी, मैं क्यों ना आपसे गुस्सा ते अपसेट ते हर्ट. थैंक गॉड. अच्छा सुन, तू फटाफट घर आ जा. डायरेक्टली इधर ही आई हो? हम डिनर साथ करेंगे. ना जी, लेट हो जाना है. तो मेरे घर में खुद से क्लोजिंग टाइम है. आई एम नॉट हियरिंग नो फॉर एन आंसर. तू इधर डायरेक्टली आएगा, ठीक है? चल, सी यू. रिफ्ट जी, finally, jia, dinner, dal khichdi, please, abhi. And I think we should use wo achar jo Isha lai thi, and dahi. Bro,
नो स्पाइस दिस टाइम, बिल्कुल भी नहीं, नो स्पाइस। तू इतनी ओबीडियंट कब से हो गई? ये सब क्यों कर रहा है? तेरा गिरे हुए मूड को ऊपर लाने के लिए। What a comeback! Did you hear that? I am killing it today. Kill तो तू कर ही रही है, but you're killing me. क्यों गिराया यार ये सब तूने? कौन उठाएगा? तू? क्योंकि OCD की problem तुझे है। Borderline OCD. See what I mean? Please यार रेव, I'm very tired. तूने मुझे please बोला? और वो भी प्यार की tone में? Is everything all right? Kya hua bro? Dev, 5 second rule. But sach mein yaar kya hua? Diane problem? Yeah, somewhat. Phir se. Diane ko as usual mera article radd bhi laga. Lekin uske bosses ko mera article kaafi pasand aaya. Bhaiyo to nahi ho rahi lekin jhaad zarur padi. Jiya. Ye teri roz ki problem hai. But today kya hua yaar that you're behaving like this? I don't know यार। शायद असल को पता चल गया कि मेरे real intentions क्या हैं। Oh, तो मतलब तेरी language में पर्दाफाश। You learning? Not bad. Thank you, thank you. Anyway, continue. I don't know यार। Unusual सा। सुबह से असल का ना कोई call ना कोई message। आई थिंक आर्टिकल पढ़ने के बाद ही रियलाइज कि मैं उसे स्कोप के लिए यूज कर रही हूँ। पर तू तो वही कर रही थी ना, अजहर योर स्कूप का 1 point कॉन्टैक्ट। छोड़ी सर। नो मैन लिसन, आई अंडरस्टैंड, ये जो गिल्ट ट्रिप्स होते हैं ना, दीज आर द वर्स्ट ट्रिप्स। आस्क मी, आई एम सो ग्लैड मेरा गिल्ट ट्रिप तो खत्म हो गया। थैंक गॉड गुरु इज कमिंग फॉर डिनर। या गुरु इज कमिंग फॉर डिनर। वेट, व्हाट? Guru's coming for dinner? हाँ, दाल खिचड़ी for him. You Revati, instructions and all. अगर guilt trip है ना, you feel for him. Look who's talking, Jia Sen. अभी कौन अजहर के ऊपर guilt trip कर रहा था? That means you feel for अजहर. Please, ऐसा कोई सीन नहीं है. मेरा भी गुरु के साथ कोई सीन नहीं है. Fine, fine. Yeah, yes, yeah. Okay. जिया को रेवती की फीलिंग समझ आ रही थी एंड रेवती को जिया की. I guess that's what real friendship means. Where आपके friends आपको आपसे better समझते हैं. Phew. So now, just when we thought कि सबकी हालत जितनी down हो सकती है उतनी down हो चुकी है, Murphy जी ने जोर से घंटी बजाई. गुरु. Hi. May I help you? Yes, you can. Actually, she can. Azhar Khan, please come in. Hello, Miss Sen. Hi. Sorry. Hi. Hi. Actually, Nadia को आपसे मिलना था. So मैंने सोचा क्यों ना आपको आके surprise कर दिया जाए. So हम आ गए. Hi. How are you, Jia? I hope you're not interrupting anything. No, actually, आप लोग busy नहीं थे meetings and nothing. You're too kind today. Oh, guys, why don't you make yourselves comfortable? Would you like to eat something? वैसे actors खाते क्या हैं? ईशा जय सिंह? यस, ये उन्हीं का घर है. आप कौन? ईशा है घर पर. ईशा इज नॉट एट होम. लेकिन आप कौन? एक्सक्यूज मी,
So what? Nothing. ईशा से मिली? ईशा's not home, साहिर. So there's no point उसका wait करके. Let's go home. पर नहीं है. इतना late हो गया. I hope she's fine. Do you even realize it's late for me too? तुम्हें रुकना अपनी ईशा के लिए तो रुको. मैं यहाँ से जा रही हूँ. You know what? I would have been much happier अगर तुम यहाँ पर आती ही नहीं. But now that you came, यहाँ पर रहकर ये mess को clear करो. There's no mess. There is mess. And ये please ये जो जो तुम्हारा गर्लफ्रेंड होने का बिहेवियर है, जस्ट ड्रॉप दैट. मोरओवर क्लियर दैट. लिसन, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हो तो क्या हुआ? कम से कम तुम्हारे बचपन की दोस्त हो. प्लीज डोंट स्टार्ट विद दैट. व्हाट? प्लीज, आई एम डन विद यू सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. एक सेकंड. एक्सक्यूज मी जी, क्या है जी? वो फ्लैट नंबर 101 में जाना था तो लिफ्ट जरा जो है वो यूज करनी थी. एक सेकंड. 101 इज व्हाट यू सेड, राइट? हां जी. किससे मिलने? आप उन लड़कियों को जानते हैं? तुम्हें किसे पता कि वहां पे सिर्फ लड़कियां ही रहती? किसकी फ्रेंड हो तुम? मैं रेवती जी का. ओ, तुम वो हो? नहीं जी, मैं गुरु हूं. नहीं, I mean, यार, थैंक यू सो मच. सीरियसली मैन, मींस अ लॉट. क्या मैं वही हूँ जो आप सोच रहे हो मैं हूँ? मैंने घर का डिपॉजिट पे किया, 2 लाख, राइट? जी, तो मैं वही हूँ जो आप सोच रहे हो मैं हूँ. साहिब प्लीज लीव, मैं अभी यहाँ पे शिफ्ट हूँ, मैं कोई सीन नहीं चाहता. ईशा प्लीज एक बार मेरी बात मत सुनो, बट एटलीस्ट मेगा की बात सुनो. प्लीज बिना बात सुने मत जाओ. नमस्ते जी. हाय. लिसन साहिर, आई मेड इट क्रिस्टल क्लियर कि मैं अभी किसी से बात नहीं करना चाहती. यस आई नो, बट प्लीज जो मुझे बोलना है, और ना ही किसी की बात सुनना चाहती हूँ. जस्ट गेट आउट ऑफ माय वे. ईशा प्लीज मेरी बात सुनो. जैसे तुम पूछ रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है. एक बार तुम खड़ी क्या? तुम सॉरी बताओ ना, क्लियर करो ना. यू टेक इट ओवर. व्हाट यू? जैसे तुम मुझे. ओके, जस्ट लिसन टू मी वंस. कम ऑन ईशा. तुम मुझे नहीं बात करनी इस समय. तुम इसे क्यों लेके आए हो यहाँ पे? Really? You always have a problem when we do that. Any which way. You remember yesterday when we went out and we were shooting that particular scene? Yeah. I think you looked really good in that. Still you gave an. Yaar, my hands are meant for the mixing console. Ye sab kya hai? Yuck. Chest out. Stand straight up. Chin up. Pop your hip. Baal theek kar. Flick, flick, flick your hair. Nadia ki duplicate copy ready. Copy to kar rahi hai. Shut that up. That means you and him love Canados. Shut up. Of course. Shut up. Look at him. Hey guys. Help needed? No. We don't need help. Aate na 2 minutes mein. Sorry. Shut up. Shut up. Private affair. Guru. I'll get it. रिफ्ती जी घर पे है? गुरु, हाय। रिफ्ती जी, क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? ये तो आज बल्ले बल्ले हो गई रिफ्ती जी। आप अजहर खान साहब हैं? या या सर, मैं सिर्फ गुरिंदर सिंह खंडोला सर। सर जी, क्या मैं आपके साथ सेल्फी ले सकता हूँ? सर जी, वो क्या है ना सर जी, वो मेरी मम्मी का ना बचपन वाला सपना है कि एक एक एक
जैसे तुम सोच रहे हो ऐसा नहीं है. तुम मेरे What are you doing now? तुम्हें पता है कि तुम यहाँ पे वेलकम नहीं हो. Isha, today I don't care. Okay? You have to. No, I just can't make it. Just say things. Please, Sahil, listen to me once. Sahil, listen to me. Really, you should listen to me. Trust me, it'll help you. Tu na yahan se nikal ja. Nirthi, stay out of this. Tu yahan se nikal ja. Sahil, I think you should go, man. Stop it. She's right, Sahil. You should leave. You should leave. Bye. Bye. Shoo. Okay, stop it. Okay, just stop it. Both of you. Go. You should really leave. Ek limit hoti hai. एक और वर्ड ना, आई विल नॉट टॉलरेट दैट. यू नो व्हाट सर, आज को यहाँ पे तुम्हें भी टॉलरेट नहीं करना चाहता है, तो प्लीज लीव. यू हर्ड हर गाइस, इज एवरीथिंग फाइन? काफी शोर आ रहा है. या इज एवरीथिंग फाइन? या या एवरीथिंग इज फाइन. हाय इश गो ना. ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, आई लव यू सो मच. Is this happening for real? Can somebody please pinch me? Oh shit! Ew! Okay, this is wrong. Do you know? I love you. Stupid Bollywood fangirl. Hamare ghar mein. Unbelievable. Yes, so yes, Azhar Khan, I know. Please, apna baggage bhi saath mein le jao. A picture with you? Yeah, one. Megha, we need to leave. Sahil, please. I need a one. I really want to take a picture with you. Sahil, no, Sahil. Get up. Azhar, I see you. I love you. But what are you doing? It's good, all good. Oh, all good. So, guys, सब नहीं है बट हम तो हैं. अब सब अपना इंट्रोडक्शन. मैं हूँ अजहर खान की मैनेजर. पहले आप तो सब जानते हैं ना. अब आप मुझे भी जानते हैं बिकॉज जिया हैज मेड मी फेमस. थैंक यू जिया. अरे यू गाइस डोंट नो आवर जिया, शी इज बूमबलिस्टिक क्रेजी अवार्ड्स के साथ. पता है व्हेन शी राइट्स इट्स लाइक अ मिक्स ऑफ शेक्सपियर एंड गुलजार. मैम पिज्जा डिलीवरी? हाँ दे दीजिए. सॉरी मैम, हम ईशा जयसिंह को ही दे सकते हैं. ईशा मैं ही हूँ, दे दीजिए. Wow, what the hell is wrong with you? हमारा ब्रेकअप हो गया, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या ये? Just let me go. What is wrong with? Shut up, okay? अब मेरी बात. मैं हमारा पैचअप करने के लिए नहीं आया. बट अगर हमारा ब्रेकअप हुआ है तो वो राइट रीजन से होना चाहिए ना, नॉट ब्लडी बिकॉज ऑफ सम मिसअंडरस्टैंडिंग. मेघा इज प्रेग्नेंट. नॉट विथ माई चाइल्ड. अगर तुम यही पूछना चाहते हो तो उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं. तो तुम ये बात क्यों है ना? तो मैं उसके लिए घर अरेंज कर रहा हूँ. हर बॉयफ्रेंड जस्ट वॉक्ड अवे, कोई फिरंग है. मेघा इज हेल्पलेस, दैट्स व्हाई शी कॉन्टेक्टेड मी. उसकी जगह कोई और भी होता तो आई वुड हैव डन द सेम थिंग. सो प्लीज ये मत सोचना कि आई स्टिल फील फॉर हर. इट्स इम्पोर्टेंट कि तुम्हें ट्रूथ पता हो. दैट्स इट.
What? Are you serious? Yeah, it's a girl's house. तो उसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी. पर तुम्हें प्रॉब्लम होगी. You hate her, remember? But तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. तुम कैसे रहोगी? You just can't stand her. And इतना सब कुछ मेरे लिए क्यों? I don't know क्यों. But I'm sure. Listen, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे लेकर और कॉम्प्रोमाइज करो. इट्स ओके. आई नो तुम मुझे लेकर श्योर नहीं हो. ये फेवर करना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डजंट मेक सेंस. देखो साहिर, मैं भी कंफ्यूज्ड हूँ. बट ये कोई जनरल फेवर नहीं है. I'm a girl and you know I just think ki main uski condition better handle kar paungi. So you mean to say ki tum Megha ko isliye saath rakhna chahti ho because as a girl you should. And there it was, Sahir ka classic questioning expression, hamesha doubt mein. I guess use pata tha ki sach kya hai, Megha ko saath rakhne ka real reason, life ka simple funda, friends ko close rakho but enemies ko usse aur close. Isha. Sahir, just because हमारा breakup हुआ है इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम strangers हैं. Thanks. Thanks for finally not misunderstanding me. And yeah, Megha को लेकर तुम्हें कोई भी problem हो और you just want to throw her out, सबसे पहले तुम मुझे call करोगी. Promise. इतना केयर करते हो तुम उसका? साहिर? Yes, now what? Just so you know, इस बार मुझे मेघा से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. Because अब हमारे बीच में कुछ नहीं. आई डोंट नो व्हाई मैं साहिर को क्यों हर्ट करना चाहती थी. आई गेस मैं उसका एक लाउड रिएक्शन चाहती थी, एक लाउड क्लेम दैट ईशा आई लव यू. बट नोइंग साहिर उसके लिए थोड़ा टाइम था. एंड नाउ मेरी इनसिक्योरिटी कॉल्ड मेघा घर पे आने वाली थी. गॉड नोज मेरे बेस्टीज कैसे रिएक्ट करेंगे.